नीरज जी और आशीष की टीम्स को देखते हैं, वहां से टॉप ट्रेड पिक करेंगे, फिर बैंकों को लेकर अनुसार थोड़ी बात और करेंगे, पहले टीम्स को देखते हैं। दस की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। यूनाइटेड ब्रेवरीज MGL अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस के चलते, साइंट के नंबर्स कमजोर लाल में रखा, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कई पैमानों पर नंबर्स डिसेंट अच्छे लग रहे थे, ग्रीन। RBL बैंक और लार्ज ट्रेड के बाद बायर्स के नाम सामने आने के बाद एक ओवरहैंग छटने के बाद ग्रीन, तो शोभा आज गोदरेज परिवार अपना एक आधा परसेंट हिस्सा इस कंपनी में बेच रहा, आधा हिस्सा 5% बेचने जा रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज अच्छा क्वार्टर परफॉर्मेंस, मार्जिन एक्सपेंशन, वेदांता आज बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड, SJVN को स्टेट सरकार से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ, और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स इसीलिए कि पीयर एक जो लिस्ट होने जा रहा है, अच्छी खासी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड होगी, तो शायद इस पर रब ऑफ आएगा। 10 हो गया है तो भी खबरों और नतीजों पे फोकस है। यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा ने एक बड़ी डील क्लॉक की है, टेक्समैको ने भी एक एक्विजिशन किया है, BL गस्सप को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है सेंचुरी रियल एस्टेट की ओर से, वीनस पाइप्स के नतीजे बढ़िया हैं, EMI ने यानी एक नया स्टोर खुला वारंगल में, टाटा पावर पर UBS की बाई कॉल है 510 का टारगेट, VST इंडस्ट्रीज के नतीजे भी बहुत ख़राब हैं और 1/10 बोनस शेयर दिए हैं, तो इसलिए रेड पर रख रहा हूँ मैं। सन फार्मा की एक दवा को USFDA से अप्रूवल मिल गया। लॉरस लैब पे गोल्डमैन सैक्स की सेल कॉल नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए उनको, और यही बात रैमको सीमेंट के साथ है, CLS ने अंडर परफॉर्म की कॉल दी है। ओके राजेश सतपुते जी से अभी काम करते हैं, पूछते हैं कि इन टीम्स में से उनका पसंद क्या है। इट्स 24423। राजेश जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक करेंगे टीम्स में से आप? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। वीरेन देखिए आज थोड़ा मिड कैप पे फोकस रखा है मैंने। आशीष जी की टीम से जो सबसे बढ़िया लगता है वह है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। थोड़ा गैप से खुल रहा है, 135 का स्टॉप लॉस रहेगा प्रोबेबली अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्विक करें बाजार खुलने के बाद, लेकिन टेक्निकली 135 का स्टॉप लॉस होगा, 155-160 तक का मूव इसमें आना चाहिए। नीरज जी की टीम देखे तो देखिए इसमें टेक्समैको रेल ये कंपनी बढ़िया है, थोड़ा गैप से खुल रहा है, आई थिंक इट इज अप बाय 4-5%, तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बाजार खुलने के बाद थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्विक कर देना, 280 का वैसे टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा, 310 तक का टारगेट रखिए। दोनों स्टॉक्स रडार पे।